नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हिंदी के प्रचार में मौलिक उपन्यासों की। चलिए उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। लगातार आपने शुरू से अंत तक, लगभग अब अंत होने आ गया है हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी की बुक का, इतने लंबा साथ बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अवश्य ही फायदा होगा इससे। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी दो उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे थे। किसमें? ठेठ हिंदी में। ठेठ हिंदी का ठाट संवत 1956 और अधकिला फूल संवत 1964। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा नमूने की दृष्टि से लिखी गई। भाषा नमूने की दृष्टि से मतलब किस तरह की भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, हिंदी भाषा के नमूने के तौर पर इन भाषा को, इन किताबों को उपाध्याय जी ने लिखा था। औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से उन्होंने नहीं लिखा। उनकी सबसे पहले लिखी गई पुस्तक वेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई, वैसी इन दोनों ठेठपन की हद दिखाई देती है। मतलब पहले जो इन्होंने लिखी वेनिस का बांका, उसमें संस्कृत जो भाषा थी वो संस्कृतपन की सीमा तक पहुंची थी, और इन दोनों में क्या हुआ, ठेठपन की सीमा तक दिखाई। इन दोनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इसी भाषा वैचित्र का ख्याल पर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नबीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। उनके उपन्यासों में मुख्य है दूत रसिकलाल 1956, हिंदू गृहस्थ आदर्श दंपत 1961, बिगड़ेगा सुधार 1964, सभी संबद्ध है आदर्श हिंदू 1972। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं है, उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नबीस। पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय और मेहता जी वास्तव में, लज्जाराम मेहता जी वास्तव में उपन्यासकार थे ही नहीं, उन्होंने लिख दिया था। दोनों के अपने अपने मोटिव थे, दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। वास्तविकता में उपाध्याय जी जो थे वो कवि थे और लज्जाराम मेहता जी पुराने अखबार नबीस थे। उपाध्याय जी ने हिंदी का भाषा का नमूना पेश करने के लिए उपन्यास लिखा, और लज्जाराम मेहता का कहीं ना कहीं था कि जो आदर्श हिंदू मर्यादाएं और समाज होते हैं उनके लिए लिखा गया था। ठीक है, काफी कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास जिनमें भावों और मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं। हिंदी में न दे, बंग भाषा में काफी देव बाबू ब्रजनंदन सहाय बीए ने दो उपन्यास इसी ढंग से प्रस्तुत किए, सौंदर्योपासक और राधाकांत संवत 1969। ये हुई उपन्यासों की बात। अब हम बात करते हैं छोटी कहानी की। जिस प्रकार गीत गाना और गुनगुनाना सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। आप लोगों को बुरा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से किसको गीत सुनना और गुनगुनाना पसंद है और किसको कहानी कहना सुनना पसंद है। अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे तो थोड़ा इंटरेक्शन भी बना रहेगा। चलिए, कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है, सब जगह पर उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उसके ये स्थूल
भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका दूसरा भी। बृहत कथा, पैताल पच्चीसी, सिंहासन विपत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां कादम्बरी, माधवा नलकाम कंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र से पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान। इन दोनों कोटि के कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई पड़ता है देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है और दूसरी कोटि में कहानियों के भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण और प्रत्यक्षीकरण भी किया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। उपन्यासों और कहानियों में भेद इसी के हिसाब से किया गया है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों से ली गईं, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास वैचित्र, बाह्य और आभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप। इतिवृत्ति का प्रभाव तो उसका मूल रूप ही था, वह तो बना ही रहेगा। उनमें अंतर बस इतना पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा प्रवाह अखंड गति से एक ओर चला जाता, जिसमें घटनाएं पूर्वापार क्रम से होती और सीधी चली जाती। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहला, मराठी में कादंबरी कहलाए, और ये कादंबरी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उनमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी ना जाकर इधर उधर की श्रृंखलाओं से घूमफिर होती चलती है। जिसने वो उपन्यास पढ़े होंगे उसको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ क्या बात कही जा रही है। मतलब जो पुरानी कहानियां होती थी उसमें एक घटना उठाई, वो शुरू से अंत तक एक बिल्कुल क्रम में चली आई घटना, और उपन्यास में क्या देखते हैं हम, कई जगह का एक साथ हमें उसमें कहानी मिलती है, छोटे छोटे प्रकरण साथ में जुड़े दिखाई देते हैं, अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की ये वक्रता और वैचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है ना, घटनाओं के विन्यास की ये वक्रता और वैचित्र पुराने उपन्यास और आधुनिक कहानियों की प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करता है। उपर्युक्त दृष्टि से हम देखें तो इंसा की रानी केतकी की बड़ी कहानी ना आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, ना राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानियों के अंतर्गत। मतलब ये लिख दी गई, लेकिन शुक्ल जी ना इनको छोटी कहानी मानते ना बड़ी कहानी में मानते। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती थी, वैसी कहानियों की रचना गल्प नाम से बंग भाषा में चल पड़ी। कादंबरी पूछा गया है, गल्प आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको दिमाग में आप बना के रखिए। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती थी, वैसी कहानियों की रचना गल्प नाम से बंग भाषा में चली थी। ठीक है, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष संवत 1957 में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की एक कहानी छपी जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रही, पर ये अधिकतर बंग भाषा से अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम
पार्वती लाला पार्वती नंदन लिखते थे देते थे, विशेष उल्लेख योग्य। उनके उपरांत बंग महिला का स्थान है जो मिर्जापुर के निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला अनुवाद तो किया ही, हिंदी में भी कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिसमें से एक थी धुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती भागा संख्या 5 में प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा, धुलाई वाली कहानी बंग महिला की थी और सरस्वती पत्रिका में संवत 1964 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कहानियों का आरंभ कहां से मानना चाहिए ये देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के वर्ष क्रम नीचे दिए जा रहे हैं। अब ये वर्ष क्रम आपके लिए क्योंकि शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में दिए तो और अधिक महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1957, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1959। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्जापुर संवत 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल संवत 1907। हाँ, उसके बाद पंडित और पंडितानी गिरजा दत्ता वाजपेयी की थी 1960 में और दुलाई वाली बंग महिला की 1964। इसमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, जिसमें इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। उसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं यदि इंदुवती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं, इनको ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया था कि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया है अथवा नहीं। यदि शुक्ल जी कह रहे हैं यदि वो छाया नहीं है तो इंदुमती हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है शुक्ल जी के अनुसार। ऐसी कहानियों की ओर तो लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के भीतर प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रही। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोर्स भावुक जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियां लिखी जो तृतीय उत्थान काल के भीतर आती है। किसके भीतर आती है? तृतीय उत्थान काल के भीतर। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जेपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में संवत 1968 में ही निकली थी। प्रारंभिक ज्यादातर कहानियां सरस्वती या इंदु में ही निकली थी। इस समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानियां लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की सरस्वती में छपी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक थे। ध्यान रखिएगा, ये सूर्यपुर के राजा भी थे, राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी एक अत्यंत भावुकता पूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली। उसके पीछे मतलब उसके बाद में आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी। पंडित ज्वाला दत्ता शर्मा ने संवत 1971 में कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी 1914 में, सन बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक सन की बात की है शुक्ल जी, यहाँ पे आपको संवत की बात की, यहाँ सन बता रहे, सन 1914 में सरस्वती ने निकली थी। चतुर्सेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा फुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था
जिसकी शुक्ल जी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, संबत 1972 यानी अर्थात सन 1915 में सरस्वती में छपी थी। शब्द शब्द याद रखिएगा, इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की सीमा मर्यादा के पूर्व भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संभवित घटना जिसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती, पर उसमें भीतर से प्रेम की एक स्वर्गीय स्वरूप छाप रहा, केवल छाप रहा था, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा था। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पूछी जाती कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रागल्भता, वेदना या विभत्स विवृत्ति नहीं होती। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर भी कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की पात्रों से बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। पढ़ी होगी आपने कहानी और हर शब्द का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर वास्तव में बहुत सुंदर कहानी है, बिना शब्दों के जिस तरह से कि प्रेम की अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है और जिस आदर्श प्रेम को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो वास्तव में अद्वितीय है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं। आप समझे, द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग से ही आधुनिक कहानियों का आरंभ शुरू हो गया था। इसका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान काल में, अभी हम द्वितीय उत्थान काल पढ़ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं निबंधों की। ये इसकी जो पहली पंक्ति है ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, इसलिए गद्य की शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जा सकता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास, ये भी आप याद रखिएगा, विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति, और इसी विक्षेप के भीतर प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिस तरह की शैली होगी उसी तरह के उसके गुण या दोष हो सकते हैं। आधुनिक पाश्चात्य लक्ष्यों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए, ये पंक्ति आपको स्मरण भी होनी चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि निबंधों को इसी तरह से कहना चाहिए कि उसमें आपका या किसी भी लिखने वाले का निबंधकार की व्यक्तिगत विशेषता हो, निबंध लिखने वाले को मतलब निबंध पढ़कर पहचाना जा सके कि ये विशेषता उन निबंधकार की है। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उसकी अनुभूति के प्रकट या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ना रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें और या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं जिसका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ भी ना हो। समझ गए होंगे आप पूरी तरह से, मतलब यहाँ पर जानबूझ के निबंधकार को अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं करना है कि वो भाषा में ऐसी कसरतें करा दे कि वो अलग से दिखाई दे या हठ योग में, आप मतलब यहाँ भाव समझ रहे होंगे चीजों का,
व्यक्तिगत शैली या व्यक्तिगत आपकी विशेषता उसमें जरूर दिखनी चाहिए, लेकिन जब वो जानबूझ के ना थोपी गई। संसार की हर बात और सब बातों से संबद्ध अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबद्ध सूत्र पर दौड़ता है और किसी का किसी। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए हैं। पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हुए। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों का प्रतिपादन के लिए ही उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़ कर किसी की ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। ठीक है, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर टूटती हुई सूत्र धाराओं में विचरता चलता है। यदि कोई नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वो एक संबंध सूत्र को पकड़कर सीधा चलता जाए, लेकिन निबंध लेखक वो तो स्वच्छंद गति से इधर उधर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंधी सूत्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती है। आप चीजों को कैसे लेते हैं, उसको कैसे समझते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसका तरीका हर एक के लिए अलग होगा। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता और किसी का किसी पर। किसी का नाम है कि एक बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। समझ गए होंगे आप यहाँ किस व्यक्तिगत विशेषता की बात की जा रही है। यहाँ पर व्यक्तिगत विशेषता थोपी नहीं जानी चाहिए। आपको यदि एक ही विषय वस्तु पर विचार करने के लिए कहा भी जाए तो भी लगभग प्रत्येक व्यक्ति का विचार दूसरे से कुछ ना कुछ मौलिक और भिन्न जरूर। यहाँ पर उसी व्यक्तिगत विशेषता की बात की जा रही है। तत्व चिंतन या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की विभिन्नता इस बात में भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को लिए हुए चलता है। यहाँ पर एक एक शब्द थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहीं से भी कूट में या कथन में प्रश्न आ सकते हैं। जो करुण प्रकृति है उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकेगा और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील है उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर ऐसे पक्षों की ओर दौड़ेगी जिनके सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह पाए। आप समझ रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलता है, कुछ लोगों का यही होता है उन्हें जो कुछ है सही है गलत है उन्हें अलग जाके सोचना है, विपरीत जाके सोचना है ना? वे उन लोगों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचारेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए आलसियों लोभियों को लीजिए जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में इनके अनेक गुणों को विनोदपूर्ण सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्रपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार की वस्तु के नाना सूक्ष्म ब्यौरों की दृष्टि गढ़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी तुच्छ बात को गंभीर विषय का स्वरूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर अब अवस्थाओं की कोई बात अवश्य होनी चाहिए। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना संबंध अर्थ संबंध का वैचित्र नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद करती हुई भाषा केवल तमाशा दिखाती हुई जान पड़ेगी। यदि किसी की भाषा में कोई अलग चीज नहीं है, विचित्रता नहीं है, गतिशीलता नहीं है, तो उसकी भाषा मतलब ऐसा लगेगा ना कि एक ही जगह खड़ी होकर उछल रही है। भारतेंदु जी के समय से ही निबंध की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी।
जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उनके साथ ही वर्णात्मक निबंध पद्धति पर समसामयिक घटनाओं, देश और समाज की दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि की स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था ना। अधिकांश लेखकों के ऐसे ही कामों में अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को श्रम कम करना पड़े, सोचना कम पड़े, मौलिकता कम लानी पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर। भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर ही साहित्य निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहता था। होली, विजयदशमी, दिवाली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे निबंधों में जनता के जीवन का पूरा रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए वे वर्णात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी नहीं रहेगी। इस उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए, बेकन विचार रत्नावली। अंग्रेजी के बहुत पुराने क्या के पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद था ये, और निबंध माला 10 चकलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद था। पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की और दूसरी पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री जी की। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में भी हाथ लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुवाद करके इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस प्रकार के मौलिक निबंध लिखने के लिए वो आगे नहीं बढ़े। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उसमें अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में मिलते, मतलब बहुत सारी बातों को एकत्रित करके छाप दिया। लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में ये पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती थी, उनका संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है। देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म दौलतपुर जिला रायबरेली में वैशाख शुक्ल 4 संवत 1927 में और देहावसान क्रॉस प्रश्न 30 संवत 1995 में हुआ। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका सरस्वती के संपादक का, तब से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता में इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाए, साधारण समझने वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। ठीक है, तो ये हो गए द्विवेदी जी के अनुसार लिखने की सफलता, है ना। द्विवेदी जी ने क्या कहा कि लिखने की सफलता इसी बात में है कि कठिन से कठिन बात भी, कठिन से कठिन विषय भी इतने सरल ढंग से सामने रखा जाए पाठकों के, कि जो बहुत साधारण पाठक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत समझ जाए। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने खुद का लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही हैं। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सरल लिखने की कोशिश की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो शुक्ल जी ने कहा कि इनके लेख अधिकतर बातों के संग्रह के रूप में ही है। और ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, भाषा की नूतन शक्ति के चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम होते हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लिखे गए, जैसे कवि और कविता,
प्रतिभा आदि आ सकती है, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जा पाते। कवि और कविता जैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पर इस विषय पर बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पे कही गया है, सूक्ष्म पे ध्यान नहीं दिया गया। जैसे स्पष्ट है कि किसी किसी कविता, ये आप देख लीजिए उदाहरण को, इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्ता होती है। जो चीज ईश्वर दत्ता है वह अवश्य लाभदायक होती है, वह निरर्थक नहीं हो सकती, उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर ना। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए, कविता में कुछ न कुछ छूट का अंश जरूर रहता है। असभ्य व असभ्य व अर्धा सभ्य लोगों में को ये अंश कम फटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो बात ऐसी जैसी दिख पड़े कवि को वैसी ही वर्णन करना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी के अन्य आए, वह विचार की वह गुण गुंठित परंपरा उनमें नहीं मिलती है जिसे पाठक के बुद्धि को तेजित होकर नई विचार पद्धति पर दौड़ पर। ऐसा नहीं लिखा जाता है कि जिसको पढ़े और तो पाठक है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, मजबूर होकर नई चीजें सोचे। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरण उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ पर एक पैराग्राफ में विचार दबा कर कसे गए हैं, एक एक बात के संबद्ध विचार खंड को छोटे से पैराग्राफ में बहुत कुछ कह दिया गया। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। मतलब आपने पहले ही पढ़ा द्विवेदी जी ने क्या कहा कि ऐसा लिखिए कि इतना भी गुण विषय साधारण इंसान के समझ में भी आ जाए। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनके लेखों को पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखते हैं। एक एक सीधी बात कुछ ना कुछ हेर फेर के साथ, कहीं कहीं केवल शब्दों के ही हेर फेर के साथ, पांच छह तरह के पांच छह वाक्यों में कही हुई होती है, एक ही बात को बार 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 ताकि समझ आ जाए। इसीलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि लगता है जैसे मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखा जा रहा है। उनकी ये प्रकृति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग अधिक मिलते हैं, नपिन तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग बदली है जो वाक्य संवाद में साथ होकर समझने पूछने में बुझाने में काम लाया जाता है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाना चाहते हैं तो एक ही बात को कई तरह से उसको कहकर समझाने की कोशिश करते हैं, और वही शैली द्विवेदी जी में पाई जाती है। उनकी ये व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की। ये कौन सी शैली? व्यास शैली। इस बार के उनके दो लेख क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, सरस्वती में 1913 में और आर्य समाज का को सरस्वती में 1914 में इसके अच्छे उदाहरण। दोस्तों इसके आगे अगर हम द्विवेदी जी को पूरा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो द्विवेदी जी की इन दो उपन्यास इन दो निबंधों की उदाहरण की बात हम लेखों सॉरी इन दो लेखों के उदाहरण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कितना टाइम देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस पूरे देखेगा जो अगर आपने पहले के नहीं देखे तो धीरे धीरे समय निकाल कर पूरे देख लीजिएगा। अभी लॉकडाउन की लगभग स्थिति है, कोई भी कार्य हो नहीं रहा है, इस समय सबसे सही समय है शुक्ल जी को पढ़ने का। शुक्ल जी परीक्षा के समय पर नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए आप इस पुस्तक को आराम से पूरा करिए और जब परीक्षा नजदीक आए तो आप तथ्य याद करिए, तथ्यों का रिविजन करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपने